नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो मैं देखिए अभी वर्क करके आ रहा हूँ, ठीक है, ड्यूटी पीरियड में ही हूँ। मेरे हाथ वगैरह बहुत गंदे हैं, ठीक है, तो अब अभी ड्यूटी से छूट करके बस वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग की ग्रुप डी में चला जाऊँगा, अच्छी नौकरी है, ठीक है, सेटल हो जाएंगे, इसके बाद मतलब ये लग रहा है ना सबको कि सही है, नौकरी सही है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। आप अगर एक बार आ जाइएगा इसमें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ग्रुप डी की नौकरी क्या होती है, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें बहुत काम करनी पड़ती है लोगों को, ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको भड़का रहा हूँ, ठीक है, वैसा मेरा कोई मकसद नहीं है, बस आपको ये इन्फॉर्म करवा रहा हूँ कि आप लोग जो है ग्रुप डी के भरोसे मत रहिएगा सिर्फ, ठीक है। ग्रुप डी की तैयारी करिए, अच्छी बात है, जॉब भी लग जाए उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको लास्ट मंजिल आप नहीं मान लीजिएगा। आप इसके बाद भी पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत फर्क होती है, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा, जब आप आइएगा ना तो आपको नहीं लगेगा कि मैं पढ़ लिख करके कुछ इसमें कर पा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बस लेबर की तरह एक आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। आपका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा इसमें, ना ही आपको कोई इमेज मिलेगी, ठीक है। बस जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। आप किसी के अंडर काम करोगे, जब मन मर्जी होगा वहाँ भेजेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कोई भी मतलब ये मत समझ लीजिए कि हाँ ग्रुप डी में हो गए तो अच्छी बात है। हाँ, ये है कि ग्रुप डी हो गए तो आपके ऊपर से घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, आपके खुद के अंदर का प्रेशर, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए ग्रुप डी ठीक है, मिला जुला के मतलब बेरोजगारी से अच्छा भला है, लेकिन बस मेरा यही उद्देश्य था बताना कि आप लोग इसको लास्ट मंजिल मत मान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी मैं तुरंत ड्यूटी से छुट्टा हूँ, क्या हालत है, पूरे शर्ट वगैरह ये सब देखिए पूरी गंदी हो गई है, क्योंकि मैं टेक्नीशियन के पोस्ट पर हूँ, फिर भी ऐसी कांड हो जाती है। तो मतलब मुझे फील ही नहीं होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई लेबर का काम कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने लिखने से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, ये सब पोस्ट बेकार है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बस आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा, मेहनत करते रहिए, ग्रुप डी ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद अपना पढ़ते रहिएगा। लेकिन जो इसकी रियल स्टोरी है ग्रुप डी और टेक्नीशियन की, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फील ही नहीं होगा, पूरे गंदे कपड़े रहेंगे, पसीने आते रहेंगे, काम करनी पड़ेगी, ना आपको टेबल मिलेगी, ठीक है, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी टाइम 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है, कभी किसी से झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कभी कोई सीनियर वगैरह से नोक झोंक ये सब होती रहती है। तो इस चीज़ को आप लोग मतलब दिमाग में मत लाइएगा, ठीक है। तो मैं मेरे साथ जो हो रहा है मैं उस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सीनियर के साथ थोड़ी बहुत हो जाती है नोक झोंक, क्योंकि वो लोग पहले के ज़माने के हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है उतने, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत तो काम करने में प्रॉब्लम होती है। मुझे भी लगता है कि यार बेकार है, काम करने में दिल नहीं करता है, तो इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बल्कि सही है, मतलब बेरोजगारी से अच्छी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नौकरी ग्रुप डी की ख़राब है या टेक्नीशियन की ख़राब है, बस ये है कि आप जो चीज़ सोच करके आ रहे हैं कि हाँ मुझे ये ग्रुप डी में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कुर्सी वाली नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, कलर ये वो, मतलब जो भी आपने सोचा होगा कि आराम की ज़िंदगी है, तो ऐसा गलत नहीं मत रहिएगा। काम हार्डवर्क पूरी करनी पड़ेगी, जो काम आप घर में नहीं करते थे वो काम आपको यहाँ करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए यही सब बात बताने में सोचा चलो, थोड़ी लंच की टाइम मिली थी तो हम सोचा चलो बता देते हैं, ठीक है। तो बस
इतना ही बात। और हाँ, एक बात और बताना चाह रहा था कि अब मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाने का, तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ग्रुप डी का, वो मैं 2-3 दिन में उसको डालना स्टार्ट कर दूंगा। उसका पूरा फुल डिटेल, मतलब उसको अच्छे से, उसका ऑप्शन जो है सबको मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो बस आप लोग लगे रहिए, और मेरी शुभकामनाएँ हैं आप लोग को कि आप लोग की जॉब हो जाए, ठीक है। और बाकी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा साइंस वगैरह की, साइंस की पहले मैं लेकर आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मैथ और जीके जीएस की बाद में लाऊँगा। साइंस का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है, मैथ वगैरह तो नॉर्मल लड़के को सही ही रहता है, तो इसीलिए मैं जीके के लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या कुछ उस तरह का लगता है, कुछ अगर डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है, क्या होती है और क्या होगी, ठीक है। तो बस आप लोग से यही गुजारिश है कि पढ़ते रहिए और पढ़ाई को बस जारी रखिए, और इससे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी तो आराम से आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।